हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर पिछले 5 सालों में जो भी दोस्तों आपके नॉलेज एंड करिकुलम से क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्ट ए में, उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है अवध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर नॉलेज एंड करिकुलम के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, सवाल ऐसे ही बनते हैं। इस वीडियो में हम पिछले 5 सालों के 10-10 यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि ये समझ में आ जाएगा कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं और सवाल लिखना कैसे है। एक रिविजन हो जाएगा पूरे कोर्स का, आप एक बार रिविजन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला सवाल है कि एकता से तात्पर्य क्या है, मतलब राष्ट्रीय एकता, इसको हम नेशनल इंटीग्रेशन कह लेते हैं या राष्ट्रीय एकाकीकरण कह लेते हैं। तो एकता की बात करें या राष्ट्रीय एकता की बात करें, इसका मतलब यही है कि अपने सारे भेदभावों को भुलाकर, रंग, भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म को भुलाकर एक भारतीय होना, एक देश प्रेमी होना, एक राष्ट्रीय का होना, इस तरह की भावना अपने मन के अंदर रखना, यही वास्तव में राष्ट्रीय एकाकीकरण या राष्ट्रीय एकता कहलाता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, संस्कृति अंतर को भूलकर अपने को एक समझा जाए, राष्ट्रीय एकता एक राष्ट्र के निवासियों को एकता के सूत्र में आबद्ध करती है, मतलब बांधती है, उनमें एकता की भावना पैदा करती है। इस भावना के विकसित होने से व्यक्ति केवल अपने हितों का ही ध्यान नहीं रखता, वरन अपने समाज, अपने राष्ट्र के हितों को भी ध्यान रखता है और राष्ट्र के आगे अपने व्यक्तित्व, पारिवारिक, जातीय और धार्मिक हितों का बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है। तो ये हो गए दोस्तों राष्ट्रीय एकाकीकरण और राष्ट्रीय एकता का मतलब, सवाल आपसे ये पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, आदर्शवाद का अर्थ बताइए। आदर्शवाद को अंग्रेजी में हम आइडियलिज्म कहते हैं और आइडियलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म। इसका मतलब होता है विचारवाद, विचारवाद इसका मतलब होता है। मूलतः यह दर्शन विचारवादी दर्शन अथवा आइडियलिज्म है। अब यह दर्शन क्या कहती है दोस्तों, यह दर्शन विचार को ही सत्य मानती है, विचार को ही परम सत्य मानती है और इस दर्शन का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति, निर्माण की प्राप्ति। यह आदर्शवाद अपने ईश्वर के अस्तित्व को मानती है, इसका मानना है कि पूरे ब्रह्मांड की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। तो आदर्शवाद के अर्थ के बारे में दोस्तों, ये आइडियलिज्म से बना है और आइडियलिज्म का मतलब होता है आइडिया प्लस इज्म, विचार प्लस वाद, तो इसे विचारवाद कहते हैं। इस दर्शन में उच्च आदर्शों की बात की जाती है। इस दर्शन से संबंधित दार्शनिक विचार और चिरंचिंतन चित्त सत्ता में विश्वास करते हैं, चिरंतन सत्ता में विश्वास करते हैं, मतलब ईश्वर की प्राप्ति, स्वर्ग और नरक पर यकीन करते हैं। ये बात हो गई आदर्शवाद की। अगला सवाल आता है कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों पाठ्यक्रम के अगर अर्थ की बात करें तो पाठ्यक्रम करिकुलम अंग्रेजी में कहते हैं, जो कि क्यूडरे वर्ड से बना है। क्यूडरे का मतलब होता है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। तो पाठ्यक्रम एक शिक्षा का आधार है, जिस राह पर चलकर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपना अधिगम कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा ही विषय को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। समाज की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना आवश्यक है। पाठ्यक्रम निर्माण का सर्व प्रमुख सिद्धांत यह है कि पाठ्यक्रम उन्हीं विषयों में सम्मिलित किया जाए जिससे किसी न किसी रूप से बालकों के वर्तमान जीवन में संबंध रखता है तथा साथ ही वे अनेक भावी जीवन के लिए उपयोगी होता हो। तो पाठ्यक्रम का मतलब क्या है, पाठ्यक्रम एक आधार बनाता है, एक परिधि देता है जिसके अंतर्गत बालक के सभी शैक्षिक कार्यक्रम किए जाएंगे। तो पाठ्यक्रम का मतलब जैसे यूँ समझ लीजिए कि आप स्कूल में कब जाएंगे, स्कूल से कब आएंगे, कब आपका फर्स्ट पीरियड है, कब सेकेंड पीरियड है, कब लंच होगा, कब स्काउट गाइड के हर एक प्रकार को शामिल करना दोस्तों, तमाम जितने भी स्कूल के अंदर गतिविधि होती है उसकी एक सीमा तय करना एक पाठ्यक्रम कहलाता है। अगला देखते हैं भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति का क्या मतलब। भौतिक संस्कृति मतलब जिसे मनुष्य खुद अपनी संस्कृति से बनाता हो, वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोगिता द्वारा मूल्यांकन, जबकि अभौतिक संस्कृति का मूल्य विचारों व ज्ञान से होता है, मतलब आपके स्किल से, आपके ज्ञान से, आपके नॉलेज से, आपकी आदतों से, ये सारी चीज़ें अभौतिक के अंतर्गत आती हैं। जबकि भौतिक का मतलब जो आप इंसान, जैसे इंसानों ने कुछ वस्तु कपड़े पहनना अपना शुरू कर दिया, तो इस वर्ग के लोग इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो ये उनकी भौतिक संस्कृति हो गई। अभौतिक संस्कृति उनकी क्या मान्यताएं हैं, उनके क्या विचार हैं, ये उनकी अभौतिक संस्कृति हो गई। अभी आगे इसको और एक्सप्लेन किया गया, वहाँ और समझ में आए।
लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? दोस्तों लोकतंत्र का सीधा सा मतलब यह है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। मतलब लोकतंत्र में जो सेवक होता है, जो नेता होता है, वो वास्तव में हमारा सेवक होता है और वो हमसे ही चुना गया रहता है, वो हम में से ही एक होता है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वही है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। मतलब इसमें हर एक स्वतंत्रता है आपकी, आप अपने धर्म की पूजा पाठ जो भी करना चाहे कर सकते हैं, जब तक कि किसी दूसरे का वायलेंस ना हो, दूसरे का इंटरफेयर ना हो, आप अपने तरीके से मना सकते हैं। तो ये हो गए दोस्तों लोकतंत्र के बारे में। यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ठीक है। अब आइए समाजीकरण को किसने परिभाषित, मतलब समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। तो समाजीकरण क्या है भाई? ड्राइवर महोदय ने कहा था कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार वह समाज का मान्य सहयोगी कुशल सदस्य बन जाता है। इस प्रकार समाजीकरण का मतलब ये हो गया कि आप सामाजिक व्यक्ति बनेंगे, समाज के अनुसार अपने आप को ढालेंगे, समाज से अनुकरण करके आप समाज के साथ अपने आप को स्थायित्व करेंगे। ये सारी चीजें आ गई समाजीकरण के अंतर्गत। समाजीकरण क्या है दोस्तों? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण होता है और समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। मतलब जीवन से सामाजिक व्यक्ति बनना, समाजीकरण का मतलब एक व्यक्ति का समाज के प्रति अनुकूल, मतलब सामाजिक व्यक्ति बन जाना, ठीक है, इसको समाजीकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को। अगला दोस्तों उपनिषद से आप क्या समझते हैं? दोस्तों उपनिषद मतलब वैदिक कालीन की बात की जाएगी। वैदिक कालीन में शिक्षा वेदों से दी जाती थी, उपनिषदों से दी जाती थी। तो उपनिषद से आप क्या समझते हैं? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद हैं, जिन्हें वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान अर्जी ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जिनमें हम वैदिक चिंतन की चिरम प्रति पाते हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप यानी कि समीप, नी यानी कि निष्ठापूर्वक, सद मतलब बैठना, अर्थात गुरु के निकट निष्ठापूर्वक बैठना। इस प्रकार उपनिषद वह साहित्य है जिनमें रहस्यात्मक ज्ञान एवं सिद्धांत की संकल्पना है। जो भी रहस्यात्मक ज्ञान, ईश्वर कैसे बना, ईश्वर ने कैसे हमें बनाया, इन सारे ज्ञान को पाना उपनिषदीय शिक्षा कहलाती है यहाँ पे उपनिषद। एक दोस्तों सवाल पीछे 2022 में पूछा था फिलॉसफी और दर्शन में अंतर। तो देखिए दर्शन को ही अंग्रेजी में हम फिलॉसफी कहते हैं, लेकिन एक मान्यता, एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फिलॉसफी को वेस्टर्न फिलॉसफर तक सीमित कर दिया गया जबकि दर्शन को भारतीय। तो इसको मतलब बहुत अच्छे से मैं खुद समझ नहीं पाया था इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ। तो इसको आप कोशिश करिएगा कि प्लीज़ इसका ज़रा आंसर अगर मिले तो मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन ये सवाल आपसे पूछा गया था 2022 में फिलॉसफी और दर्शन में अंतर। तो पहली बात तो कि दर्शन जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन है फिलॉसफी का। फिलॉसफी को ही हिंदी में दर्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें इसमें अंतर क्या है ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया था इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब सवाल आता है कि प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं? तो सवाल आपसे पूछा गया था प्रयोजनवाद से क्या तात्पर्य है, प्रैग्मेटिज्म से आप क्या समझते हैं? देखिए प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहते हैं और प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक अन्य शब्द प्रैग्मेटिकोस से हुई है जिसका अर्थ होता है व्यवहारिक या क्रिया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है जैसे आदर्शवाद में विचारवाद कहते थे तो उसको विचारों को प्रधानता दी गई, विचारों को प्रमुख माना गया। रियलिज्म मतलब यथार्थवाद में जो वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं वास्तव में हैं उनको प्राथमिकता दी गई। प्रकृतिवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया और प्रयोजनवाद में दोस्तों आपके व्यवहार को, आपकी क्रियाओं को इसको सर्वोपरि माना गया है। तो इस प्रकार दोनों उत्पत्तियों के आधार पर प्रयोजनवाद का अर्थ हुआ कि व्यवहारिकता। प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं कार्यों अथवा सिद्धांतों को सत्य मानती है जो किसी देश, काल और परिस्थिति में व्यवहारिक अथवा उपयोगी हो। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, अनुवादवाद, व्यवहारवाद भी कहते हैं। प्रयोजन और उपयोगिता पर बल देने से इसे प्रयोजनवाद कहा जाता है। तो प्रयोजनवाद उन घटनाओं को मानती हो जो कभी घटित हुआ हो, व्यवहार को मानती हो, क्रिया को मानती है। तो ये हो गई बात प्रयोजनवाद की। इस तरीके से आपका 2022 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब आइए हम देखते हैं दोस्तों 2021 के क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पे दोस्तों पहला सवाल है कि जीवन में शिक्षा का क्या स्थान है? तो जीवन में शिक्षा का क्या स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे मान लीजिए हम जी रहे हैं तो हमारे रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है। अब आज के युग में दोस्तों उसी प्रकार से एक मनुष्य को जीवन के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता है।
मनुष्य के जीवन में जितना महत्व भोजन, कपड़े, हवा और पानी का है, उससे कहीं अधिक महत्व शिक्षा का है। इसलिए हमेशा यही कहा जाता है कि शिक्षा का मानव जीवन में बहुत महत्व है। अब शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य ज्ञान पाता है, प्राप्त करता है, प्रसार करता है। इंसान की बुद्धि का विकास होता है और शिक्षा अर्जित करता है। केवल शिक्षा ही के ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपने दिमाग का पूर्ण विकास कर सकता है। तो ये हो गए दोस्तों शिक्षा का महत्व मानव जीवन में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि शिक्षा वो धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है। शिक्षा वो निवेश है जिसको जितना बांटा जाए वो उतना बढ़ता है, घटता नहीं है। तो इस तरीके से आप शिक्षा के बारे में लिख लेंगे। अगला पॉइंट आता है विद्या और अविद्या में अंतर। तो देखिए, विद्या का सामान्य अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा हासिल करना या सीखना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने विचार में जिस पदार्थों का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो उसे विद्या कहते हैं। जो सच्चे स्वरूप को जानता हो उसे विद्या कहते हैं। अविद्या का अर्थ परिभाषिक और यौगिक दो प्रकार से किया जाता है। दर्शन में प्रायः परिभाषिक अर्थ अज्ञान या मिथ्या ज्ञान से लिया जाता है। अविद्या का यौगिक अर्थ है कि विद्या से विभिन्न ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है। मतलब जिस इंसान को सच्चा ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, वो अविद्या कहलाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, समझ आएगा। वैश्विक दर्शन ये कहता है कि वह विद्या जो तद्दृष्ट ज्ञानम, अर्थात जैसे जो जो दोस्तों दोषपूर्ण नहीं है, जो ज्ञान दोषपूर्ण नहीं है वो विद्या है, और जो ज्ञान दोषपूर्ण है वो अविद्या है। तो यहाँ तक बात हो गई समझ में, अविद्या और विद्या की। पहला तो दोस्तों विद्या का मतलब ज्ञान का होना, ज्ञान का पाना, ज्ञान का मौजूद होना। अविद्या का मतलब ज्ञान का न होना या फिर गलत ज्ञान होना, ठीक है। दूसरी बात, विद्या का मतलब वह ज्ञान जो दोषपूर्ण न हो वो विद्या कहलाती है, जो दोषपूर्ण हो वो अविद्या कहलाती है। तो ये हो गई बात विद्या और अविद्या में अंतर। फिर आ गया दोस्तों यथार्थवाद। यथार्थवाद के अर्थ के बारे में, इसको अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं। रियल प्लस इज्म शब्द से बना है, और इसका रियल का मतलब होता है वस्तु, इसका मतलब है अर्थात अर्थवाद। इस प्रकार से रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ वस्तुवाद के अस्तित्व के संबंध में विचारधारा है। तो रियलिज्म क्या करता है, वस्तुवाद को मानता है कि जो चीज़ें मौजूद हैं, दिखाई देती है, वास्तव में वही सत्य है। अतः यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करता है और वस्तु की वास्तविकता पर बल देता है। यह विचारधारा भौतिकवाद पर आधारित है। भौतिकवाद के अनुसार केवल भौतिक जगत ही सत्य है। इस प्रकार यथार्थवाद का सिद्धांत जो जगत को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वो दिखाई पड़ता है या अनुभूति पड़ता है। तो ये हो गई बात यथार्थवाद की। ये बात हो गई रियलिज्म की। इसमें भगवान की मौजूदगी या फिर स्वर्ग के बारे में, आत्मा के बारे में, इन चीज़ों को नहीं माना जाता है। अब आता है दोस्तों समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषा, तो ओडम ने कहा था कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन है, ठीक है। वर्ड ने कहा था समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, और गिस्बर्ट ने कहा था समाजशास्त्र सामान्य समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है, समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, समाजशास्त्र क्या है दोस्तों, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र है। ये इसकी उपयुक्त परिभाषाएं हो गई। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम के सिद्धांत। दो सिद्धांत पूछे गए थे आपसे 2021 के सवाल में। तो दो सिद्धांत कौन कौन से, जब आप पाठ्यक्रम बनाते हैं तो आपको विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम समझना पड़ेगा, समुदाय केंद्रित, क्रिया केंद्रित, विविधता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, एकाकीकरण का सिद्धांत, अनुभव समयता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। तो ये तमाम सिद्धांत है दोस्तों, इसके अलावा भी 5-6 सिद्धांत हैं। तो किसी दो सिद्धांत को पूछा था, तो अगर आपको शॉर्ट में पूछता है 8 नंबर में तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करिएगा, और वेरी शॉर्ट 1 नंबर में पूछता है तो 2-3 पॉइंट डाल दीजिएगा, बस काम खत्म। 1 नंबर में पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो समय भी नहीं बचेगा, पेजेस नहीं बचेगा, और सवाल 1 नंबर का। तो दो सिद्धांत में मान लीजिए, विद्यार्थी केंद्रित सिद्धांत जिसको चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी जिसको लचीलापन कहते हैं, समुदाय केंद्रित, क्रिया केंद्रित, और एकाकीकरण अनुभव की, ये सारे क्या है, सिद्धांत है आपके पाठ्यक्रम की। संस्कृति की परिभाषा दे दोस्तों, संस्कृति की परिभाषा। तो मैकावर एंड पेज ने कहा था कि संस्कृति हमारे जीवन के दैनिक व्यवहारों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन व आमोद प्रमोद, रहन सहन और विचार की विधियाँ में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ओटावा ने कहा था किसी समाज की संस्कृति का अर्थ समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से है। हमारे जीवन पद्धति कैसी है, हम कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे हमारे कपड़े पहनते हैं, वास्तव में यही सारी चीज़ें संस्कृति कहलाती हैं। यही क्या कहती है, कल्चर कहलाता है, किसी का कल्चर कैसा है। ये हो गई बात दोस्तों संस्कृति की परिभाषा की। इस तरीके से सवाल आपसे पूछा गया है। आधुनिकीकरण को परिभाषित करिए। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन। आप जैसे जैसे मॉडर्न होते हैं, पुरानी जो गलत चीज़ें, गलत कहते हैं, वो बदलती जाती हैं। और ये आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलती है और निरंतर चलती रहती है।
कल जो मॉडर्न था वो आज नहीं है, आज जो मॉडर्न है वो कल नहीं रहेगा। अच्छा, बड़ा बेस्ट एग्जांपल मुझे समझ में आता है घरों का। एक वक्त ऐसा था कि जब लोगों की झोपड़ी के घर होते थे तो उस समय अगर किसी ने पक्के की मकान बना ली तो वो मॉडर्न, मतलब उसके वो ज्यादा रिच समझा था। फिर उस पक्के के मकान के बाद, अच्छा इससे क्या हुआ, जिसकी झोपड़ी थी उन्होंने कॉपी करते करते पक्के की मकान पे आ गए। पक्के की मकान के बाद फिर उसको अच्छे से टाइल्स लगाना या फिर प्लास्टर करना, ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर मॉड्यूलर किचन बनने लगा, डाइनिंग रूम बनने लगा, टाइल्स मार्बल लगने लगे। पहले पेंट होता था, अब पीओपी होता है, पुट्टी होने लगी, पता नहीं क्या क्या। अब तो आर्टिफिशियल हाउसेस बन रहे हैं, 3D डिजाइन में बन रहे हैं वो, अब ऑटोमेटिक वो बन रहे हैं। तो अब नए नए चीज़ें, तो ये क्या दोस्तों आधुनिकरण। आप देखते हैं शिक्षा के मामले में देख लीजिए, पहले लोगों को कितनी दूर जाके पढ़ाई करनी पड़ती, आज आपको यूट्यूब पे, आपके मोबाइल पे आपकी वीडियोस अवेलेबल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आधुनिकरण की बात। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये आधुनिकरण में अपने आपको ढालना है। जो चीज़ें आज है वो कल नहीं रहेंगी, तो इसलिए अपने आप को भी बदलना है, वरना आप क्या करेंगे, यहीं के यहीं रह जाएंगे, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। चलिए इससे पहले आधुनिकरण में आगे चले, ज़रा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर पसंद आ रही हो, समझ आ रहा हो आपको लेक्चर, तो लाइक कर दीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे समझ में आएगा कि हाँ बच्चे इस काम की सराहना कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रही है। तो आधुनिकरण परिवर्तन की प्रक्रिया है, अर्थात जब समाज आधुनिक होता है तो प्राचीन व्यवस्थाओं से उसका संबंध टूटता जाता है और एक नई व्यवस्था का निर्माण होता है। आधुनिकरण एक क्रमिक क्रम में होती है, मंद गति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आधुनिकरण का प्रमुख लक्षण विज्ञान तथा तकनीकी का विकास है। आधुनिकीकरण की इस अभिधारणा में शिक्षा अत्यधिक सहायक सिद्ध होता है। शिक्षा आधुनिकरण के दर्शाए वातावरण को तैयार करता है। एजुकेशन के माध्यम से ही आप मॉडर्नाइजेशन बन सकते हैं। यह सामाजिक परिवर्तन आधुनिकरण की गति को तीव्र बनाती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन आधुनिकरण की सुरक्षा करती है तथा सामाजिक परिवर्तन आधुनिकरण के दुष्प्रभाव से बचाती है। दुष्प्रभाव से क्या करेगा, बचाएगा। तो ये हो गई बात आधुनिकरण की। इस तरीके से बाकी जो 2019 के सवाल थे ना, वो रिपीटेड थे, तो जो सवाल रिपीट किया गया उसको हम छोड़ देते हैं, जो सवाल कई बार पूछा उसको स्किप कर देते हैं, जो सवाल नया है उस पर ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें देखिए शिक्षा और साथ अविद्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल है अविद्या, तो अविद्या को दोबारा नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अविद्या आप समझते हैं, अविद्या का मतलब अज्ञान या मिथ्य ज्ञान। अविद्या को एक और चीज समझ कर सकते हैं कि वह ज्ञान जो दोषपूर्ण हो, उसे अविद्या कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रयोजन के बाद के बारे में भी जान चुके हैं दोस्तों। प्रयोजनवाद किसको मानता है, अपने व्यवहारों को मानता है, क्रियाओं को मानता है, प्रयोजनवाद किस शब्द से बना है, ये भी आप देख चुके हैं। अभौतिक संस्कृति इसमें देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो भी लोकतंत्र में हमने देखा, लोकतांत्रिक मतलब क्या है दोस्तों, जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, तो जो सवाल हो चुके हैं ना उसको दोबारा नहीं देखा जाता है, उसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके बीएड एग्जाम में बहुत सारे सवाल रिपीटेड पूछे गए, तो जो पीछे हो चुका है उसको यहाँ पे स्किप किया जाएगा। शिक्षा और साक्षरता में अंतर दोस्तों, साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा, मतलब किसी व्यक्ति को पढ़ना आना समझना है। शिक्षा का मतलब दोस्तों कि उसके अंदर शैक्षिक विकसित होना, उसके मानसिक विकास होना, शारीरिक विकास होना, इन सब चीजों का विकास होना। शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है जबकि साक्षरता का अर्थ सीमित है। शिक्षा में व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास दृष्टिपथ पर चलती है, जबकि साक्षरता का उद्देश्य व्यक्ति को मात्र साक्षर बनाना, पढ़ने लिखने का समझा देना। शिक्षा मस्तिष्क हृदय हाथ 3H सामयिक विकास पर जोर देता है, जबकि साक्षरता पढ़ना लिखना तथा गणित पे केंद्रित होता है। मतलब साक्षरता से पढ़ना लिखना गणितों को हल करना है, जबकि शिक्षा का मतलब आपके कंप्लीट डेवलपमेंट से। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के अनस्त समस्त प्राकृतिक क्षमताओं का विकास करना होता है, जबकि साक्षरता का उद्देश्य जीवन में अपेक्षाकृत ज्ञान प्राप्त करना, एक लिमिटेड ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो ये दोस्तों हो गई शिक्षा और साक्षरता के बारे में। तो एक नंबर में तो कितना ही पॉइंट लिखेंगे, मैंने इतने सारे पॉइंट दे दिए, जो भी 3 से 4 पॉइंट आपको समझ में आए आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए, शिक्षा प्राप्त करने के साधन माध्यम व्यापक हैं और सुदृढ़ होते हैं, जबकि साक्षरता प्राप्त करने की साक्षरता माध्यम होती है। मतलब पढ़ना लिखना आपको कहीं से सीखना पड़ेगा, शिक्षा तो आप घर परिवार समाज खेल कूद हर जगह से आप प्राप्त कर से रखते हैं। ये हो गई शिक्षा और साक्षरता में अंतर की बात। अब फिर से आगे दोस्तों, अविद्या से क्या तात्पर्य है, अविद्या का मतलब दोस्तों मिथ्य ज्ञान या फिर वह ज्ञान जो दोषपूर्ण हो, इसको फिर थोड़ा एक्सप्लेन। प्रयोजनवाद को आपने देखा था, प्रयोजनवाद के अर्थ हमने ऑलरेडी देखा चुका। यहाँ पे आते तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से क्या, देखो श्री अरविंद जी थे वो आध्यात्मिक राष्ट्र को बढ़ावा दे मानते थे। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्र को प्रेम करना, राष्ट्र को जैसे आप ईश्वर की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वैसे अपने राष्ट्र की पूजा करिए, इस तरह की भावना दोस्तों आध्यात्मिक भावना कहलाती है अपने देश के प्रति। तो अरविंद भारत में एक दैवी, भारत को एक दैवीय रूप में, माँ के रूप में देखते थे। वो कहते थे कि भारत पराधीन, इसका अर्थ हमारी माँ पराधीन है, हमारी देवी माँ को मुक्त कराना है, मतलब आजाद कराना है। अरविंद जी मातृभूमि को
को मुक्त कराने के राजनीतिक अभियान ही नहीं, एक पवित्र धर्म भी मानते थे। वो मानते थे कि देश को आजाद कराना क्या है भाई, एक पवित्र धर्म है। अरविंद जी ने वंदे मातरम लिखा था, राष्ट्र को एक धर्म जो ईश्वर के पास से आया है और जिसे लेकर आपको जीवित रहना है। सभी लोग ईश्वरीय अंश के साधन है, अतः हमें धार्मिक दृष्टि से राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करना है। तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का मतलब दोस्तों कि इसे अपना एक अध्यात्म मानना, इसकी पूजा करना, इसको प्रेम करना या पूजा करना ईश्वर को प्राप्त करने के समान है। तो इस तरीके से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को कहा गया। अब जरा समझ लेते हैं अभौतिक संस्कृति का मतलब। बराबर एवं अन्य कड़े समाज समाज वैज्ञानिक ने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्वों को सम्मिलित किया। सोरोकिन इसे भावात्मक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त हैं, इनका कोई माप तोल नहीं सकता, आकार व रंग रूप नहीं होता, इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता, वरन जिन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। वो हमारे विचारों एवं कार्यों में निहित सामान्यतः अभौतिक संस्कृति से हम सामाजिक विरासत में प्राप्त। अब यहाँ पे अभौतिक का मतलब जिसे आप माप नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, जैसे कि विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मौन वृत्ति, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि, ये सारे सीधे सम्मिलित है। तो जब संस्कृति की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य या किसी समाज की संस्कृति कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है, उनमें क्या कला है, उनमें क्या ज्ञान है, उनके साहित्य कैसे है, इन सब चीज़ों को अभौतिक संस्कृति के रूप में देखा गया है, अभौतिक संस्कृति के रूप में माना गया है। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है दोस्तों ओटावे के अनुसार शिक्षा नहीं शिक्षा समाज शास्त्र। ओटावे के अनुसार सवाल आपसे पूछा गया था शिक्षा समाज शास्त्र। तो ओटावे ने संक्षेप में शैक्षिक समाज शास्त्र को वह विज्ञान है शिक्षा एवं समाज के संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब शैक्षिक समाज शास्त्र वह विद्या विज्ञान है दोस्तों जो शिक्षा और समाज के संबंधों का अध्ययन करता है, वो क्या है दोस्तों शैक्षिक समाज शास्त्र है। ओटावे के अनुसार शैक्षिक समाज शास्त्र को परिभाषित इसमें पूछा गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, वैदिक काल में शिक्षा की विशेषताएं। तो वैदिक काल मतलब वैदिक काल में शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, उस समय के बच्चे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, उनका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार मतलब शिक्षा देने से पहले जो उपनयन संस्कार होता था। समापवर्तन संस्कार, शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनको समापवर्तन संस्कार होता था। उनकी निःशुल्क शिक्षा होती थी वैदिक काल में, शिक्षा का व्यवहारिक स्वरूप था। और धार्मिकता को महत्व तो हर काल की शिक्षा में दिया गया, भिक्षावृत्ति की प्रथा थी, चरित्र और व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया गया। तो ये हो गई दोस्तों वैदिक काल के शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। अब आइए अब इसी तरीके से हम 2019 के सवाल को देखेंगे। 2019 के सवालों को भी देखेंगे तो बहुत से सवाल आपको रिपीटेड मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो सवाल नया होगा उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके तो दोस्तों आइए 2019 में जो भी आपसे सवाल पूछे गए हैं उसको जरा एक बार रिविजन करते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षा को परिभाषित कीजिए। जी हाँ, ये वो सवाल था जो कि पीछे भी पूछा गया था, तो हम यहाँ पे आपको देख लेते हैं कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए। अब शिक्षा को स्पेंसर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा में आदतें, स्मरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक तथा मानसिक कौशल, बौद्धिकता और रुचि, नैतिक विचार, ज्ञान ही नहीं विधियां भी सम्मिलित हैं, ये कहा था दोस्तों स्पेंसर ने। सबसे बेहतरीन जो परिभाषा मुझे लगती है वो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के संपूर्ण विकास शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है, इन कंप्लीट विकास करना ही वास्तव में शिक्षा कहलाता है। ये हो गई शिक्षा की परिभाषा। ठीक उसी प्रकार से दर्शन की परिभाषा, दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन मतलब आपको पता है जैसे कि अरे हम तो वो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपके दर्शन प्राप्त हुए, मतलब आप दिखाई दिए, आप प्रकट किए। तो वास्तव में दर्शन का मतलब एक सोच होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक देखना होता है। फिलॉसफी मतलब दर्शन मतलब ज्ञान को प्राप्त करना, आपको ज्ञान प्राप्त ही करना है, कभी आप अपने आप को संतुष्ट मानेंगे नहीं, आप और खोज करेंगे और खोज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और ज्ञान को जानेंगे। तो प्लूटो के अनुसार सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए आतुर रहता है, कभी संतोष करके करके रुकता नहीं है। वास्तव में वह दार्शनिक है, उनके शब्दों में पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन कहलाता है, मतलब सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन कहलाता है। अरस्तु ने कहा था दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता हो कि ये दुनिया बनी तो कैसे बनी, इंसान बना तो कैसे बना, शिक्षा है तो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस सब के यथार्थ स्वरूप को जानना दर्शन कहलाता है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं।
आदर्शवाद से क्या अभिप्राय है दोस्तों? आदर्शवाद आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आदर्शवाद को आइडियलिज्म कहते हैं, विचारवाद कहते हैं, ये प्रभु को मानता है, ईश्वर को प्राप्त करना ही अंतिम सत्य मानता है, यह मानता है आदर्शवाद कि असल जो जीवन है दोस्तों, असल से मनुष्य है, उसकी आत्मा ही है, उसका विचार ही है, ये शरीर तो बस एक आवरण है, एक कपड़ा है। आधुनिकीकरण आप देख चुके हैं दोस्तों, आधुनिकीकरण समझ में आ गया। शिक्षा का समाज शास्त्र आपने क्या देखा, समाज के संबंधों का ज्ञान, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा समाज कहलाता है। यथार्थवाद भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब रियलिज्म जो वास्तविक स्वरूप को मानता हो, इसी वीडियो में डिस्कस। संस्कृति की भी परिभाषा यहाँ पे दिखी जा चुकी है, ये उपरोक्त जो सभी है वो हम पढ़ चुके हैं, वो हम इसी वीडियो में देख चुके हैं। ये वो सारे सवाल है जो पूछे गए थे इस बार 2019 में, ठीक है, तो ये रिपीटेड है तो हम इसको छोड़ देंगे। अगला सवाल, शिक्षा के दर्शन से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षा दर्शन दर्शन की वह शाखा है जिसमें शिक्षा संबंधित समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। यह एक प्रयुक्त दर्शन है जब हम विशुद्ध दर्शन के आधारभूत प्रत्ययों का तथा सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। यह एक प्रयुक्त दर्शन है जब हम करते हैं तो ये शिक्षा दर्शन कहलाता है, जब हम दर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा में करते हैं तो ये शिक्षा दर्शन कहलाता है। तो ये अभी बात शिक्षा दर्शन। अब आइए, एक सवाल आता है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो पाठ्यक्रम का मतलब आपने समझा, करिकुलम का मतलब, करिकुलम का मतलब होता है रेस कोर्स, दौड़ का मैदान, जिसके अंतर्गत शिक्षण की तमाम गतिविधियां चलती रहती है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है दोस्तों? बहुत ही प्रमुख भूमिका है, क्योंकि शिक्षक ही क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है जो बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है, समझाता है। तो इन सब चीज़ों का, जैसे मनोवैज्ञानिक ज्ञान का, शिक्षण विधियों का, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना शिक्षक को आवश्यक है। देखिए, शिक्षण विधियां, अभ्यू माध्यमों के चयन एवं व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चयन करना ही पर्याप्त नहीं होता अपितु शिक्षक को उनका प्रयुक्त करके समुचित अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करना होता है। एक शिक्षक ये जो सीखने का एक सीखने का वातावरण, सीखने की परिस्थिति को तैयार करता है, छात्रों को सीखने का अवसर प्रदान होता है। शिक्षक को अपनी क्रियाओं को छात्र के सीखने के अवसर प्रदान होते हैं। शिक्षक को अपनी क्रियाओं को छात्र के अधिगम स्वरूप संबंधित करना होता है। शिक्षक जैसे जो पढ़ा रहा है ना, वो उनको सीखने के स्वरूप में ढाल दे, तभी छात्र अपेक्षाकृत व्यवहार परिवर्तन हो सकते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षक के लिए पाठ्य वस्तु की सहायता से सीखने के अवसर को समझना और उनके लिए अधिगम परिस्थिति को उत्पन्न करना होता है। कहने का मतलब ये जो सारे पॉइंट है ना, इसका कोई विशेष नहीं है कि आप ऐसे लिखेंगे पाठ्यक्रम के निर्माण में, ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत होगा। पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक ये देखेगा कि किस तरीके उनकी उनकी क्षमता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनको उनकी रुचि क्या है। तो विद्यार्थी केंद्रित जैसे पाठ्यक्रम, हमने कहा कि विद्यालय के लिए विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रमुख सिद्धांत है, तो हम देखेंगे कि विद्यार्थी को केंद्र मान के कि विद्यार्थी की रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उस आधार पर निर्माण करेंगे। तो जो शिक्षक होता है, एक प्रमुख अंग होता है, विद्यार्थी के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको समझता है, उसको जानता है, उस आधार पर वो पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? पाठ्यक्रम में आप ये जानते हैं कि क्या और कैसे, मतलब कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, इन सारी चीज़ों की आपको आपको यहाँ पे समझ मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है। आदर्श नागरिक का निर्माण पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप देखेंगे, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है कि वो ये कह दे कि भैया हम सांवले लोगों का एडमिशन नहीं लेंगे, हम गोरे लोगों का एडमिशन नहीं लेंगे, या फिर हम इस भाषा के, इस क्षेत्र के नहीं कर सकते। तो पाठ्यक्रम क्या करता है, एक आदर्श नागरिक बनाता है जिसमें रंग भेद जाति सबको, सबकी भावना को मिटा देता है, ठीक है, और इससे इसको हटा के एक आदर्श, एक अच्छा पाठ्यक्रम बनाता है, एक एकीकृत जिसे समावेशी पाठ्यक्रम कहते हैं, एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाता है। तो ये क्या है दोस्तों, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, बालक के व्यक्तित्व एवं चिंतन का विकास होता है, ऐसे ऐसे अवसर दिए जाते हैं, ऐसी क्रियाएं कराई जाती हैं जिससे बालक के व्यक्तित्व और चिंतन का विकास हो। बालकों के रुचियों पर आधारित पाठ्यक्रम होती है जिसमें बालक क्या करता है भाई, बालक का जो इंटरेस्ट होगा, बालक की जो रुचि होगी वो जानने की कोशिश करेगा। अब बाकी सवाल तो आपने देखा कि वो रिपीटेड थे, 2018 के सवाल हम देखेंगे। 2018 के सवाल में शिक्षा एक निवेश है, इसे स्पष्ट करिए। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है कि शिक्षा एक निवेश है, और फिर वही बात, आप शिक्षा के महत्व को बताइए, बताइए कि शिक्षा किस प्रकार से है भाई। शिक्षा को ना कोई चुरा सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ये बांटने से घटता नहीं और बढ़ता रहता है, तो ये अच्छा निवेश है। शिक्षा व्यक्ति को सफलता के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और क्षमताएं प्रदान करके आत्मविश्वास लाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति समस्या समाधान कौशल विकसित कर सकता है, अधिक आत्म जागरूक बन सकते हैं, व्यक्तिगत विकास का अनुभव कर सकता है और सामाजिक कौशल को विकसित कर सकता है। ये हुए दोस्तों शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या है, शिक्षा को कोई ना बांट सकता है, ना कोई चुरा सकता है, ये हुए शिक्षा के बारे में। शिक्षा एक निवेश है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब आइए बाकी के जो सवाल है, जैसे विद्या और अविद्या में अंतर आप देख सकते हैं, शिक्षा और दर्शन आपने ऑलरेडी देख रखा है,
उपनिषदीय यानी कि वैदिक शिक्षा की विशेषताएं भी हो चुका है, संस्कृति की परिभाषा, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की भूमिका, पाठ्यक्रम का उद्देश्य, शिक्षा समाजशास्त्र, ये वो सारे सवाल है जो रिपीटेड है। अब इतने सारे सवाल अगर आप पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तो इसी में से आपका सवाल मिलने के पूरे पूरे चांसेस है, इसी में से सवाल आपसे पूछा जाता है। दो लास्ट सवाल देख लीजिए, सामाजिक प्रथाओं से आप क्या समझते हैं? सामाजिक प्रथा मतलब ऐसी रीति रिवाज रूढ़ी जहाँ पे एक विशेष वर्ग के समुदाय के लोग उसको फॉलो करते हैं, कई समय से फॉलो करते हैं, और ये सामाजिक प्रथाएं एक दूसरे से दूसरे तरह हस्तांतरित होती है, ट्रांसफर भी होती रहती है। तो जब समुदाय के अनुक व्यक्ति एक साथ एक ही तरह के उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रयत्न हो और एक सामूहिक घटना होती है जिससे फॉकवे कहते हैं, यह जनतांत्रिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। इस प्रकार हस्तांतरित होने के दौरान इसे समूह की अत्यधिक प्राप्त होती है क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी का सफल अनुभव दृढ़ बनाता है, इसे कस्टम कहते हैं। मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी रीति, एक ऐसा रिवाज जो एक व्यक्ति से दूसरे में स्थानांतरण होता है और लोग ग्रुप में इसको फॉलो करते हैं, इसको हम प्रथाएं कहते हैं। बहुत ऐसी प्रथाएं, रीति रिवाज है, ठीक है। लास्ट सवाल है दोस्तों, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रकृतिवाद क्या एक दर्शन की शिक्षा का शिक्षा व्यवस्था है? तो दोस्तों, प्रकृतिवाद परंपरागत शिक्षण की आलोचना करता है, प्रकृति और प्रकृति को लौटों को नारा देता है। उनकी मान्यता है कि बच्चों को स्वयं के अनुभव के आधार पर सीखना चाहिए। शिक्षण करते समय अध्यापक सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण का सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। प्रकृतिवाद शिक्षा शिक्षक को गौण स्थान देता है। प्राकृतिक विचारक प्रकृति को वास्तविक शिक्षा मानते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि प्राकृतिक रूप में बच्चों को सीखने दीजिए, खुद से करके सीखने दीजिए, जो उन्हें ज्ञात है वो पहले बताइए, फिर अज्ञात को बताइए। बच्चों को प्राकृतिक में रख के मतलब समाज में शिक्षा दीजिए, पेड़ पौधों, आपस, पार्क में, ऐसे इस प्रकार से उनको शिक्षा दीजिए। स्कूल में बैठा कर शिक्षा देने को वो दूर रखता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे इस तरीके से शिक्षा प्राप्त करेंगे वो ज़्यादा अस्थायी होगा। तो ये हो गई दोस्तों बात प्रकृतिवाद के शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि आपसे सवाल पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण हैं, और इनसे संबंधित आपके सवाल आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं एक चीज़ की थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज थी, आई अंडरस्टैंड, बट उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को जल्दी रिजॉल्व किया जाए। तो बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी, इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, सारे पॉइंट्स को समझते हुए चलिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो कैसी लगी वो फीडबैक में आप कमेंट में बता सकते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय जय।